जी धन्यवाद सर। क्यूब भाई के जितने भी दर्शक इस लाइव को देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार, और आशुतोष पाठक जी को और पूरे टीम को मेरे ओर से नमस्कार प्रणाम सर। साथियों, आज हमको जैसे ही लिंक मिला बड़ा उत्साह लगा, क्योंकि दिल्ली में भी हम लोग इंतजार कर रहे थे। प्रथम दिन का जो सत्र हुआ था तो दूसरे दिन पता चला कि सहारा से भी पक्ष रखने वाले लोग आ रहे हैं। तो हम तो कब से आंखें बिछाए बैठे हैं, पलके सवारे बैठे हैं कि वो लोग भी हमारे सामने आवे और लाइव डिबेट हम लोग करें, ताकि देश को पता चले कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कौन गलत और कौन सही है। नहीं आए वहां पे, आप लोगों के द्वारा ही वहां सूचना मिला था, दूसरे दिन उन लोग आने वाले थे लेकिन नहीं आए। पुनः परसों पता चला कि लाइव डिबेट के लिए वो लोग आने वाले हैं, कल ही की बात थी, कल भी हम इंतजार किए, वो लोग नहीं आए। आज जैसे ही लिंक हमको मिला, संजीत भाई ने हमको लिंक भेजा, उससे बड़ा व्यस्त है ऑफिस में, तो हमको लगा कि चलो अच्छी बात है, आज सैटरडे है, मेरा हाफ डे ऑफिस का होता है, सेकंड हाफ में फ्री थे, तो बढ़िया है कि वो लोग आए तो आमने सामने बात होगी। लेकिन आज भी वो लोग नहीं आए। अब मैं इस चैनल के माध्यम से नाम लेकर के कह रहा हूं, ये वीके ठाकुर, केंट पाठक और जो जो लोग ज्ञान दाने बैठ करके उल्टा पुल्टा बोलने का काम करते हैं और देश को मिसगाइड करते हैं, इनके मिसगाइड करने से इस देश के लोग गुमराह होते हैं और ना वो कानूनी प्रक्रिया में जाते हैं और ना भुगतान मांगते हैं, और कंपनी के ऊपर आशा और विश्वास बनाए बनाए अंत में आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। ये जो 4,000 जो आत्महत्याएं हुई है, इसमें एक ज्ञानदान जो प्रत्येक संडे को ये लोग चलाते हैं, कल भी संडे, शायद कल भी इनका चले, तो इन लोगों का गुमराह करने से भी एक इतना बड़ा घटना हुआ इस देश में। क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगर 100 एपिसोड मेरा चल जाएगा, जो सही हर बात, संडे को सही चला बात। जाएगा, तो देश के लोगों का भुगतान हो जाएगा। आज इनका 175-80 एपिसोड चल चुका, लेकिन किसी का भुगतान हुआ नहीं। तो अगर इनमें दम है, अभी भी हम लाइव में हैं, या जब चाहे हम वीडियो बना करके भी दिए हैं, स्थान और समय का निर्धारण उन लोग करें, वो जहां बोलेंगे जिस समय बोलेंगे, ऑफिस से हमको 10 दिन छुट्टी भी लेना पड़ेगा तो हम उन लोग का डिबेट में जाएंगे और हम उनसे डिबेट करने को 24 घंटा तैयार है। साथ ही साथ उस जो वीडियो आपने देखा था, उस वीडियो में मेरे नाम पर भी जिक्र किया गया था कि हम सहारा से निकाले हुए हैं। साथियों, आज शायद पूरे देश को पता नहीं होगा कि मैं एक कोल इंडिया का एम्प्लाइज हूं, और नेतागिरी करना मेरा पेशा नहीं है, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं सहारा के एक आम जमाकर्ता हूं। मेरी पत्नी के नाम पर एजेंसी था, ये बात सही है, पर हमारी पत्नी ने सहारा से रिजाइन 2021 के अक्टूबर में ही कर दिया था, निकाला हुआ नहीं है हम लोग। हम लोग सहारा के जमाकर्ता भी हैं और मेरी पत्नी उसका कार्यकर्ता भी रही। अगर वीके ठाकुर में दम है या सहारा प्रबंधन में किसी पे भी दम है, तो हमारी पत्नी के नाम पर जो रिजाइनेशन हुआ था, या रिजाइनेशन का पत्र तो मेरे पास में है, लेकिन अगर सहारा ने निकाला है तो वीके ठाकुर को चैलेंज कर रहा हूं कि वो पत्र जाहिर करें कि सहारा से निकाला हुआ है। झूठ मूठ का गुमराह करना बंद करें। इन लोग का औकात नहीं है, इन लोग का औकात केवल लोगों के साथ झूठ बोलना, गलत बात बोलना, समाज को मिसगाइड करना, समाज को भरमाना, यही काम को है। इन लोग देश के दुश्मन ही नहीं, कानून के भी दुश्मन है और समाज के भी दुश्मन है। जो गलत काम करने वाले के साथ में खड़ा होता है, उसके साथ भी वही होना चाहिए जो गलत करने वाले के साथ हो रहा है, और इनके साथ भी होगा, हमको पूरा भरोसा है। दूसरी बात कि क्यू भाई जिस तरह से देश के लोगों का पीड़ा अपने सर पे लेने का काम किया, बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है सर। जाने अनजाने में हो या आपने जानबूझ करके किया, आपको बहुत बहुत तहे दिल से पूरे देश की ओर से मैं धन्यवाद दे रहा हूं। क्योंकि दिल्ली का जो कार्यक्रम हुआ, उसके पूरे बाद पूरे देश ने जो कार्यक्रम को सराहा और सब लोगों का जो प्रतिक्रिया आई कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म से सहारा के बारे में आज तक बात रखने का मौका किसी को नहीं मिला था, इतना उनका दबदबा है सुब्रत राय और सहारा प्रबंधन का कि कोई भी राष्ट्रीय मीडिया उनके खिलाफ मुंह नहीं खोलना चाहता। लेकिन आशुतोष पाठक ने और क्यू भाई ने जो एक प्लेटफॉर्म दिया और लोगों को बात करने का मौका दिया, उसके लिए सारी जगहों से आप सबको के लिए बधाई आई है सर। तो इसको संवार के भैया रखिए, बधाई के पात्र रहे आप, इसको ये संवार के आशुतोष जी आपको रखिए समूह बधाई के मात्र। जिस तेजी के साथ आप लोग इस चीज को लिए हैं, अगर इसी तेजी के साथ आप लोग अगर काम करता रहे तो पूरे देश के सहारा के जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं का आपका साथ मिलेगा सर, उनका दुआ और आशीर्वाद का कमी नहीं होगा।
और अगर ये काम आपके माध्यम से होता है तो देश में बहुत बड़ा काम होगा सर। शायद लगता है जैसे कि कृष्ण को मारने के लिए, सॉरी कंस को मारने के लिए कृष्ण पैदा हुए थे और रावण को मारने के लिए राम पैदा हुए थे, तो इस युग में लगेगा जैसे क्यू भाई भी रावण रूपी जो हमारा सुब्रत राय है, जो पूरा धन हड़प कर रखा है पूरे देश के 13 करोड़ों का, उसको मारने के लिए क्यू भाई चैनल आया और लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। ये मेरी आवाज नहीं है सर, पूरे देश की आवाज है, मेरे पास ऐसा ऐसा कमेंट आ रहे हैं। तो आप लोग अपना धर्म निभाइए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं सर, जब बोलेंगे जैसे बोलेंगे हम लोग हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी सुभान भाई ने जो ये क्या नाम है रेटिंग इंडिया वाले ये बोल के चले गए कि शायद अगर होंगे तो आ भी सकते हैं, क्योंकि ये क्या बोलते हैं दिन भर उनको खुद ही पता नहीं रहता, वो दिन भर कुछ ना कुछ अनाप शनाप वीडियो बनाते रहते हैं, उनका वीडियो उन्होंने देखते भी नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि कुशवाहा जी के पास 3 लाख करोड़ का कहां से डाटा आ गया। भैया सीधा सीधा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो इनकी एनआई बंद हुई, सहारा की सोसाइटियों में जो काम बंद कराया गया उसमें सहारा का ही दिया हुआ डाटा है कि 86,400 करोड़ रुपया मूलधन चारों सोसाइटियों में लिया गया है। जब 86,400 करोड़ रुपया लिखित रूप में कोर्ट में जमा है, उसकी आरटीआई की कॉपी भी हम लोग के पास में है, तो उसका अगर हम लोग इंटरेस्ट के साथ अगर मिला दें तो 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। क्लियर एकदम। एक तो केवल चारों सोसाइटियों का मामला है, उसके अलावा क्यू सोप में भी बहुत सारी पैसा पेंडिंग है जिसका हम लोग चर्चा भी अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल सोसाइटी पर ही पड़े हैं। क्यू सोप में पैसा पड़ा हुआ है, सहारा का कॉमर्शियल में पड़ा हुआ है, और एक तो सोसाइटी है जिसका कि इन लोग अभी पे आउट दे रहे थे वो भी बंद कर दिए, उसमें पड़ा हुआ है, और अगड़म बगड़म बहुत सी कंपनी बना बना के पैसा लिए उससे बना, सबका अगर कैलकुलेट कर दीजिएगा तो 6 से 7 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का हो जाएगा। सुभान जी अगर आपको नहीं है तो कभी मेरे साथ में लिखित डाटा ले लीजिएगा या वेबसाइट से निकाल लीजिएगा जो वेबसाइट पर लोट है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का। तो आपका बात का हम जवाब देना उचित भी नहीं समझते हैं, क्योंकि आप उस लाइक है ही नहीं, दिन भर आप अनाप शनाप वीडियो बनाते रहते हैं। जी बोलिए। सुभान जी को हम एक बात कहना चाहते हैं, आशुतोष जी देखिए, सुभान जी को हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो मान्य सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेबी के अंदर 25,000 करोड़ रुपए है, उस पैसे को छोड़िए, लेकिन 86,000 करोड़ में से 25,000 करोड़ रुपए घटा के बाकी का पैसा आप वापस कर दीजिए बस।